हेलो दोस्तों, हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आपके पास यूजीसी नेट है, या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों, हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बटरेंड द्विधाधिकारी मॉडल या बटरेंड विरोधाभास की। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे के पूरे कोर्स पर, यानी कि हम शुरू से बोलेंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बटरेंड द्विधाधिकारी मॉडल या बटरेंड का विरोधाभास। तो बच्चों, इस अल्पाधिकार के चैप्टर पर हम टोटल 19 वीडियो बनाने वाले हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। और ये सारी की सारी वीडियो जो हैं, वो आपको, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से बोलेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसलिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बटरेंड द्विधाधिकारी मॉडल या बटरेंड विरोधाभास। तो बच्चों, ये पूरा का पूरा टॉपिक हम बना रहे हैं, पूरा का पूरा कोर्स हम बना रहे हैं। अगर आप यूजी में हो, पीजी में हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो काफी सारे कोर्सेज हैं जो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। और इस पूरे के पूरे चैप्टर पे हम 19 वीडियो बनाने वाले हैं। इनमें से जिन वीडियो पे स्टार लगा हुआ है वो हमारी प्राइवेट वीडियो है, और जिन वीडियो पे टिक लगा हुआ है वो हम पब्लिक वीडियो है। तो सारी की सारी वीडियो आपको हमारी ऐप पे मिलेगी, और जिन वीडियो पे टिक लगा हुआ है वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। तो बच्चे, बटरेंड जो थे वो गणितीय मतलब मैथमेटिशियन थे, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन। उन्होंने 1983 में एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल के थ्रू जो क्रूनो मॉडल है, जिसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था, उसकी पूरी की पूरी आलोचना की। तो क्रूनो मॉडल की आलोचना की और बताया कि भाई, क्रूनो मॉडल ने यह माना था कि जो फर्म है, फर्म जब अपना उत्पादन डिसाइड करती है, मतलब जब अपना उत्पादन करती है, तो ये मान लेती है कि जो प्रतिद्वंदी फर्म है वो अपनी पूर्ति को स्थिर रखेगी। तो ये उनके हिसाब से ये गलत मान्यता थी, और इस गलत मान्यता की वजह से उन्होंने एक अपनी अपना नया एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको हम बोलते हैं बटरेंड का द्विधाधिकारी मॉडल। तो बटरेंड मॉडल में प्रत्येक विक्रेता जो है वो अपनी कीमत जब डिसाइड करता है, तो वो ये मान के चलता है कि जो कीमत दूसरे जो फर्म है वो अपनी कीमत स्थिर रखेंगे। देखिए, ये इसकी मूल मान्यता है जो आपको याद होनी चाहिए। बटरेंड मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपनी कीमत तय करते समय, यानी कि मान लीजिए मैं अपनी कीमत 20 रुपये डिसाइड कर रहा हूं, तो मैं ये मान लूंगा कि जो वर्तमान फर्म 50 रुपये ले रही है वो 50 रुपये ही लेती रहेगी। इस तरीके की मान्यता है, ठीक है। तो बाकी की मान्यताओं के ऊपर हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो ही फर्म है, यानी कि ये भी क्रूनो की तरह एक द्विधाधिकारी मॉडल है। इसमें भी दो फर्मों की मान्यता को लेकर ही चला गया है। दोनों ही फर्में बाजार मांग की पूरी जानकारी है, इसका मतलब दोनों को ही पता है बाजार मांग कितनी कितनी है, दोनों के ही मांग वक्र गिवन है। प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करती है, यानी कि यहां पर बन गया हमारा नॉन कॉलेजिव ओलिगोपॉली। यानी कि प्रत्येक फर्म जब अपने अपने लाभ के लिए काम करेंगी तो प्रतियोगिता होगी, संयुक्त रूप से काम करेंगी तो कॉलेजिव हो गया, और नॉ और प्रतियोगी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करेंगी तो वो नॉन कॉलेजिव हो गया, यानी कि यह हमारा गैर, आप कह सकते हो, आप एक समझौता हो गया। प्रत्येक विक्रेता अपनी कीमत तय करते समय, जैसा कि हमने यहां लिखा था, प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मान लेता है, ठीक है। वस्तु होमोजीनियस है, टेक्निक स्थिर रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली मान्यता है जिसमें एक रूप लागत है, यानी कि माना कि AC बराबर MC है, और अपने सिद्धांत में उन्होंने इन दोनों को शून्य मान लिया था, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त क्षमता नहीं है, यानी कि फर्म जो है वो अपनी पूरी कैपेसिटी से, सॉरी, असीमित क्षमता, यानी कि फर्म जितना चाहे मांग के अकॉर्डिंग अपने उत्पादन कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पे मांग वक्र बना लेते हैं, जो कि मान लीजिए ए फर्म का मांग वक्र है, यानी कि ए फर्म जो है वो मांग के अकॉर्डिंग OA उत्पादन कर सकती है। इसी तरीके से ये वाला जो है, ये बी का मांग वक्र है, ठीक है। अगर गैप थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये डायग्राम बनाने में है, वैसे ये गैप जो है वो बराबर बराबर ही रहेगा। इसको हम बी बोल देते हैं, यानी कि ए के लिए है, तो यहां पे जो है वो दोनों ही फर्मों की कीमत हो जाएगी, ये कीमत है दोनों ही फर्मों के लिए, ठीक है। इसको हमने हम दे देते हैं ई, यानी कि जो ई है ये है मांग वक्र किसका, फर्म ए का, और ये मांग वक्र है फर्म
बी का, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए फर्म अपनी पूरी क्षमता पे काम करे तो वो ओए का उत्पादन कर सकती है, उत्पादन कर सकती है, और इसी तरीके से ए बी का, यानी कि हम मान लेते हैं 100 इकाई है तो बाजार में दोनों के दोनों 100-100 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं, और क्योंकि हम कॉस्ट को जीरो मान के चल रहे हैं इसलिए हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला जो वक्र है यहां पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर बराबर है, जो कि जीरो के बराबर है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर बराबर है, जो कि शून्य के बराबर है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब माना उद्योग में केवल एक ही फर्म है, अब उद्योग में जब एक ही फर्म होगी तो वो अपने हिसाब से कीमत डिसाइड करेगी, उसका जो मन करेगा वो कीमत डिसाइड करेगी, वो जैसे चाहे वैसे काम करे क्योंकि एक ही बेचने वाला है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उद्योग में केवल एक ही फर्म है, तो एक ही फर्म होने की वजह से वो क्या कर रही है, इतनी कीमत वसूल रही है, मान लीजिए कीमत वसूल रही है ओपी, आप चाहें तो इसे 100 रुपये मान सकते हैं, और इतनी कीमत वसूल के वो केवल इतनी मात्रा का उत्पादन कर रही है जो कि मान लीजिए 20 इकाई है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ओक्यू, यानी कि ओक्यू मात्रा का उत्पादन कर रही है और ओपी मात्रा वसूल रही है, कीमत वसूल रही है, और खूब खुश है क्योंकि उसको लाभ अधिकतम हो रहा है। अब जब नई, यानी कि माना उद्योग में केवल एक ही फर्म है जो ओपी वस्तु की कीमत पर ओक्यू मात्रा बेचती है, अब जब फर्म उद्योग में प्रवेश करती है, देखिए मूल प्रिंसिपल क्या है, तो ये मान के चल रही है कि जो फर्म ए है वो ओपी कीमत ही वसूलती रहेगी चाहे वो जितनी भी कीमत वसूले, यानी कि वो ये मान के चल रही है कि अगर वो ओपी कीमत वसूलती है तो फर्म जो है बी, मतलब ओपी से कम कीमत वसूलती है तो फर्म बी जो ए जो है वो अपनी कीमत में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं करेगी। तो वो कितनी कीमत चार्ज करती है, मान लीजिए ओपी वन कीमत चार्ज करती है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा सामान को बेच पाएगी, यानी कि मान लीजिए वो ओक्यू वन बेच पा रही है। अब क्या होगा, इसके कुछ ग्राहक जो है वो अट्रैक्ट होंगे क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, वस्तु समरूप है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वस्तु समरूप है और समरूप वस्तु में जो सस्ते पे मिलता है वो उसकी तरफ लोग अट्रैक्टिव होते हैं। तो इससे रोकने के लिए, मतलब अट्रैक्शन को रोकने के लिए फर्म ए जो है वो क्या करेगी, फर्म ए जो है वो अपनी कीमतों को गिरा देगी। देखिए गिरा के देखते हैं, वो कीमत कर देगी पी टू और इतना सामान बेचने की कोशिश करेगी जिसको कि हम क्यू टू बोल देते हैं। तो लिखा हुआ है कि फर्म ए अपने ग्राहकों को फर्म बी की तरफ चले जाने का भय होगा, फर्म ए अपनी कीमतों में कमी करेगी तथा फिर फर्म बी अपनी कीमतों में कमी करेगी, यानी कि उसके बाद क्या होगा, फर्म जो बी है वो अपनी कीमतों में कमी करेगी। तो यहां से देखिए कीमतों में इसकी में कमी की और इसने कीमत डिसाइड करके पी थ्री कर दिया और कितनी क्वांटिटी बेच रही है वो क्यू थ्री। अब इसकी अब बारी है किसकी, एक ही अपनी कीमतों में कमी करने की, और इस तरीके से एक अपनी कीमत घटाएगा, बी अपनी कीमत घटाएगा, ए फिर अपनी कीमत घटाएगा, बी फिर अपनी कीमत घटाएगा, तो इससे नई चीज शुरू हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं कीमत युद्ध। कीमत युद्ध का मतलब हुआ कि जब एक बार प्राइस वॉर छिड़ जाता है तो प्रत्येक फर्म जो है उसमें कीमत के घटाने की टेंडेंसी पाई जाती है, यानी कि हर फर्म चाहती है कि वो कीमत को घटाएगी, और कीमतों में यह कमी तब तक जारी रहती है जब तक कि जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, यानी कि कोई भी फर्म अपनी मार्जिनल कॉस्ट से कम पर वस्तु को बेच ही नहीं सकती। उतनी कीमत तो वो वसूलेगी जितनी उसकी वस्तु को बनाने की लागत, एडिशनल लागत आ रही है। तो इस स्थिति में कंपटीशन, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इस लाइन पर है, इस वाली लाइन पर है, इसलिए संतुलन की स्थिति तब होगी जब फर्म ए कुल इतना उत्पादन करेगी और फर्म बी कुल इतना उत्पादन करेगी, यानी कि अगर मान लीजिए दोनों एकाधिकार में होते, मान लीजिए दोनों एकाधिकार में होते और एकाधिकार मतलब समझौता कर लें, सपोज कीजिए समझौता कर लें, मान लीजिए समझौता कर लें, कॉलिजन बना लें, तो कुल उत्पादन का OA प्लस OB दोनों का 1/2 उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे से समझौता नहीं करते, देखिए समझौता नहीं करते का मतलब ये हुआ कि अगर एक दूसरे के साथ कॉलिजन नहीं करते तो वो OA यानी कि फर्म A OA उत्पादन करेगी गैर समझौता और फर्म B OB उत्पादन करेगी और बाजार मांग का कुल उत्पादन होगा, यानी कि ये जो उत्पादन है ये पूर्ण प्रतियोगिता के बराबर होगा, यानी कि फर्म का संतुलन तब होगा जब दोनों ही फर्म, यानी ऐसा तो होता ही नहीं इस तरीके का होता है क्योंकि गैर कीमत प्रतियोगिता है, यहां लिखा है ना कंपिटेटिव बिहेवियर है, यानी कि फर्म का संतुलन तब होगा जब दोनों ही फर्म सीमांत लागत के बराबर कीमत वसूलेगी, यानी कि जब संतुलन की स्थिति में फर्म ए
OA उत्पादन करेगी और फर्म B OB उत्पादन करेगी जब संतुलन की अवस्था में हो गई। यानी कि दोनों ही फर्में जो है वो कीमत वसूलेंगी सीमांत लागत के बराबर, यानी कि जो कि पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त है। अब क्योंकि बर्टेन ने पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त को अल्पाधिकार में लागू करने की कोशिश की, इसीलिए इसको बर्टेन विरोधाभास भी कहते हैं। बर्टेन विरोधाभास क्यों कहते हैं? क्योंकि बर्टेन मान के चलते हैं कि संतुलन की स्थिति में प्राइस सीमांत लागत के बराबर हो जाएगी अल्पाधिकार में, इसीलिए इसको बर्टेन विरोधाभास कहा जाता है। और यह एक स्थायी संतुलन है। स्थायी संतुलन का मतलब है कि एक बार जब यह संतुलन आ गया तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों यह है पूरी बर्टेन की थ्योरी जो कि मैंने आपको समझानी थी। इसके अलावा बच्चों इसकी कुछ आलोचना भी है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, कीमत परिवर्तन में लगने वाले समय की कोई व्याख्या नहीं की, यानी कि कितना समय लगेगा कीमत परिवर्तन में उसके बारे में कोई यानी कि मोनोपोली कीमत से परफेक्ट कंपटीशन कीमत आने में कितना समय लगेगा उसकी कहीं पे भी आलोचना नहीं की गई। ये बंद अर्थव्यवस्था मॉडल है, यानी कि ये मान के चलता है कि केवल एक फर्म है और उसके बाद दूसरी फर्म आएगी और अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी, यानी कि नई फर्मों के प्रवेश की अनुमति नहीं देता। तीसरा, ये जो लागत को शून्य मान के चलता है ये एक अवास्तविक मान्यता है, वास्तव में लागत शून्य नहीं होती। और इसमें यह माना है कि एक बार अगर फर्म कीमत गिराती है तो दूसरी फर्म भी कीमत गिराएगी, फिर पहली फर्म कीमत गिराएगी, यानी कि फर्म ने अपने पिछले एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा, जबकि वास्तविक जीवन में फर्म जो है वो अपने पिछले अनुभव से सीखती है और हर कोशिश करती है कि वो कीमत युद्ध से बचे। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको काफी सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे यूजी पीजी। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों थैंक यू।